हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भाई सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। अब सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की आवश्यकता हमें क्यों हुई, या हम कहें कि बोर मॉडल में ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी जिसको समझाने के लिए आपके सोमरफील्ड ने प्रयास किया, ठीक है ना। तो देखो, इसकी हेडिंग हमने क्या लगा रखी है, सोमरफील्ड द्वारा बोर मॉडल का विस्तार, यानी इसने बोर मॉडल में जो कमियां थी उन्हीं को दूर करने का प्रयास किया। सबसे पहली अगर हम मुख्य कमी देखें तो बोर मॉडल में क्या था भाई, कि जब आप स्पेक्ट्रम रेखाएं देख रहे थे तो जो स्पेक्ट्रम रेखा थी वो अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाओं का क्या थी, एक झुंड थी। जब हमने हाई रेजोल्यूशन में इसको अब्सॉर्ब किया, उच्च भेदन क्षमता वाले जब हमने स्पेक्ट्रम से इसका स्पेक्ट्रा निकाला तो हमने क्या देखा भाई, कि जो स्पेक्ट्रम रेखा थी वो बहुत सारी स्पेक्ट्रम रेखाओं का क्या थी, झुंड थी। मतलब जो एक स्पेक्ट्रम रेखा थी वो कई सारी स्पेक्ट्रम रेखाओं से मिलकर बनी थी। तो ये इन स्पेक्ट्रम के बारे में आपका बोर मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है ना। और आपने ये भी देखा था कि जो स्पेक्ट्रम रेखा थी भाई वो विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में उसका विभाजन भी हो रहा था। जैसे आपकी ये एक स्पेक्ट्रम रेखा है और ये समझ लो ये आपका कौन सा रीजन है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है भाई, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो स्पेक्ट्रम रेखा थी वो इस तरीके से आपकी विभाजित हो रही थी, ठीक है ना, जिसको हमने स्प्लिटिंग बोला था। क्या बोला था, स्प्लिटिंग बोला था। जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव जिसको हमने बोला था, ठीक है ना। तो इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आपका बोर मॉडल नहीं दे पाया। जिन सब बातों को समझाने के लिए आपका कौन आया भाई, सोमरफील्ड मॉडल आया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सोमरफील्ड मॉडल की शुरुआत कहां से हुई। चलो भाई अब इसको समझते हैं कि इसने क्या बोला सोमरफील्ड मॉडल ने, देखना भाई इसने क्या बोला। पहली बात इसने बोली कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो केवल वृत्ताकार कक्षा में ना घूमकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण करता है यानी घूमता है। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमता बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी घूमता है। तो भाई इसने क्या बोला, एक्चुअल में इसने ये बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो केवल आपका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा। वृत्ताकार कक्षा तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की एक कंडीशन है, उसको मैं अभी समझाऊंगा कैसे आएगा। इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन आपका केवल और केवल कौन सी कक्षा में घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। वृत्ताकार कक्षा तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का ही एक विशिष्ट क्या है, रूप है, ठीक है ना, उसको समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यह आपका मान के चलो एक एलिप्टिकल आपकी क्या है, ऑर्बिट है, एक आपकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, ठीक है। अब इसमें ये तो आपका मेजर एक्सिस हो गया और ये वाला आपका माइनर एक्सिस हो गया। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दीर्घ अक्ष, और इसको क्या लिखेंगे भाई, लघु अक्ष, माइनर एक्सिस, ठीक है। ये तो हो गया आपका माइनर और ये आपका हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां पर सपोज हमने मान लिया ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, ये आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका कोई भी एटम है, उसके पास केवल आपकी वृत्ताकार कक्षाएं नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी है। अब जैसे मैं मान के चलूं इसके पास एक कक्षा है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी कक्षा हो तो दूसरी कक्षा के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, तीसरी कक्षा हो तो तीसरी कक्षा के लिए ऐसे बनाएंगे, चौथी कक्षा हो तो चौथी कक्षा के लिए कक्षा ऐसे बनाएंगे। यानी जब आपकी कक्षाएं बढ़ती जा रही है तो आप देख रहे हो कि जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है वो धीरे 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 क्या होती जा रही है, वृत्ताकार कक्षा होती जा रही है, समझ गए। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की एक विशिष्ट स्थिति है आपकी कौन सी, वृत्ताकार कक्षा, समझ गए इस बात को। अभी हम बनाएंगे डायग्राम को, पहले इस डायग्राम से दो तीन बातें समझेंगे फिर हम उसकी भी बात करेंगे वृत्ताकार कक्षाओं की। अब अगर वृत्ताकार पथ में घूमते इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वृत्ताकार में पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका केवल और केवल कौन सा मान बदलता है भाई, थीटा बदलता है, ठीक है ना। जो परिभ्रमण कोण है वो केवल बदलता है। जैसे मैं आपके लिए बात करूं, ये आपका जैसे आपका स्फेरिकल है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सपोज आपका यहां आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन आपका इस जगह आ गया, तो आप क्या देखोगे, रेडियस तो समान है भाई, यहां भी रेडियस आर है, यहां भी रेडियस आर है, यहां भी रेडियस कौन सी आर है। लेकिन थीटा की बात करूं तो थीटा बदल रहा है, यहां तो थीटा कम था, यहां थीटा कैसा हो गया भाई, ये पूरा थीटा कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके लिए आपकी त्रिज्या की मान तो समान रहती है, केवल थीटा का मान बदलता है, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वृत्ताकार पथ में घूमते इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या स्थिर रहती है भाई, लेकिन
थीटा का मान बदलता है, थीटा का मान चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके दोनों ही मान बदलेंगे, आर भी बदलेगा थीटा भी बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसके लिए अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस ये है, और इसके लिए थीटा की बात करूं तो थीटा ये रहा भाई। अब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन आपका किस जगह आ गया, इस जगह आ गया, तो इसके लिए रेडियस कम हो गया, रेडियस का मान बदल गया। और अगर मैं यहां से थीटा कैलकुलेट करना चाहूं तो ये थीटा का मान भी कैसा हो चुका है, बदल चुका है। यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है उसके लिए आर और थीटा दोनों के मान अलग अलग होंगे। तो यहां पर आप कहोगे कि आर भी बदलेगा, आर का मान भी कैसा है, परिवर्तित, और थीटा का मान भी परिवर्तित है। तो इससे क्या फर्क पड़ा भाई, इससे क्या फर्क पड़ा कि जब हमने बोर मॉडल में बात की थी तो बोर मॉडल में हमने क्या बोला था कि जो कोणीय संवेग जो MVR है वो किसका गुणज है, NH अपॉन 2 पाई का। लेकिन यहां जो कोणीय संवेग है वो डिपेंड करेगा किस पर, आपके त्रिज्या के मान पर, और किस पर, थीटा के मान पर, समझ रहे हो ना। तो यहां पर आप क्या बात लिखोगे, अगली बात क्या लिखोगे, वृत्ताकार पथ में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई का गुणज होता है। जबकि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दो घटकों पर निर्भर करता है। और वो कौन कौन से घटक हैं, उनका नाम भी मैं बता देता हूं। पहला तो है आपका त्रिज्य घटक, जिसको आप NR से भी दिखा सकते हो, और दूसरा है आपका द्विगंशी घटक। ठीक है, द्विगंशी घटक, आगे एक बात और आएगी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या हम पढ़ेंगे, उसमें हम सीधा सीधा बोलेंगे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या की जो खोज है वो किसने की थी, सोमरफील्ड ने करी थी। अभी इतना सा समझो, दूसरा घटक कौन सा है आपका, द्विगंशी घटक, जिसको दिखाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको K से दिखा दो, या आप इसको N phi से भी दिखा सकते हो, या किससे दिखा दो भाई इसको, या N phi से दिखा दो। ठीक है, तो पहले इन बातों को लिखो, फिर और बातें मैं आपको बताता हूं भाई। तो अगर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के लिए अगर हम कोणीय संवेग की बात करें तो वो दो घटकों का क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर योग होगा। कौन कौन से घटक, एक तो आपका त्रिज्य घटक और आपका कौन सा, द्विगंशी घटक। तो त्रिज्य घटक के लिए अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, NRH/2π, क्योंकि आपको पता है कि जो पूर्ण गुणज है वो H/2π का है। ये एन का मान तो आपकी बोर कक्षाओं के लिए, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के लिए आपके त्रिज्य घटक होगा, और कौन सा होगा, द्विगंशी घटक होगा। और अगर द्विगंशी घटक के लिए अगर हम कोणीय संवेग का मान लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, KH/2π, और इनका जो वेक्टर एडिशन है वो टोटल हो जाएगा किसका, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का कोणीय संवेग। समझ के बात को, यहां तक इसको लिखो, फिर आगे की बात बताता हूं भाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात देखो, अब इसका मतलब क्या है कि जो बोर का जो आपका जो मुख्य क्वांटम संख्या था, जो मुख्य क्वांटम संख्या जो n है, वो आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी संख्या, एक तो आपकी त्रिज्य घटक क्वांटम संख्या, त्रिज्य क्वांटम संख्या भी इसको बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, द्विगंशी क्वांटम संख्या। यानी NR और K के एडिशन से आपकी कौन सी संख्या बनी है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या बनी है। इसी बात को आगे किसने बोला भाई, सोमरफील्ड ने बोला, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रम लाइन है भाई वो बहुत सारे फील्ड में क्या है, अलग अलग छोटी छोटी माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन दिख रही थी। तो ये तो तभी संभव है जब एक आपका ऊर्जा स्तर काफी विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या हो, विभक्त हो। अरे भाई, अगर एक ही एनर्जी लेवल होता तो आपको एक ही रेखा मिलती, लेकिन आपको बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा स्तर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हुआ है। ठीक है, यहां से ही शुरुआत होती है किसकी, उपकोष की। ठीक है ना, आगे आएगा उपकोष भी, मैं आपको बताऊंगा। तो उपकोष की जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो अब अगली बात इन्होंने क्या बोली, कौन सा पॉइंट हो गया भाई, दूसरा हो गया था, तीसरा पॉइंट देखो। अतः सोमरफील्ड के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या क्रमशः, या दो क्वांटम संख्याओं का योग होती है, दो क्वांटम संख्याओं का योग होती है।
तो अगर मैं एन की बात करूं, एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये एन आर और के का क्या होगी, योग होगी। एन आर यहां पर क्या है, एन आर बराबर त्रिज्य क्वांटम संख्या, त्रिज्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और एन फाई या के बराबर क्या है, एन फाई लिख लो या के बराबर क्या है आपका, द्विगुंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विगुंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। देखो भाई इसको एक बार, देखना अब अगला पास्टुलेट देखो, अगली बात इन्होंने क्या बताई, अगली बात इन्होंने क्या बोली कि जो k के मान की संख्या है, k के मानों की संख्या, k के मानों की संख्या n के मानों के बराबर होगी, n के मानों के बराबर होगी। ये बात क्या है भाई, अगर यानी हम अगर n बराबर 4 के लिए अगर k के मान निकालें, तो n बराबर 4 के लिए k के भी कितने मान आएंगे भाई, 4 मान आएंगे, कौन कौन से आपके, 4, 3, 2, 1। और अगर हम n बराबर 3 के लिए k के मान निकालें, तो k के मान कितने आएंगे, 3 आएंगे, कौन कौन से, 3, 2, 1। और अगर n बराबर 2 के लिए इस तरीके से हम k के मान निकालें, तो कितने निकल के आएंगे भाई, 2 निकल के आएंगे, 2 और 1, ठीक है। आप उनको कहोगे सर जीरो क्यों नहीं आया, जीरो किस लिए नहीं आया, वो भी बताता हूं। देखो भाई कि जो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष की आकृति है, दीर्घ वृत्ताकार जो कक्ष की आकृति है वो किस पर निर्भर करती है भाई, ये निर्भर करती है आपकी n अपॉन k के रेशो पर, ठीक है। n अपॉन k का जो अनुपात आएगा उस पर कौन निर्भर करेगी, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष की कक्षा। यानी अगर मैं इसको और आपको लिखूं डिटेल से, तो क्या लिखूंगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लंबाई बटा लघु अक्ष की लंबाई, बटा लघु अक्ष की लंबाई, ठीक है। ये देखो जैसे आपका, ये आपका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा था, तो इसमें तो आपने इसको दीर्घ अक्ष बोला था, इसको लघु अक्ष बोला था, तो आपको पता है वृत्ताकार कक्षा कब बनेगी, जब आपका दीर्घ अक्ष किसके बराबर हो जाए, लघु अक्ष के। यानी इस वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू किसके समान आएगी, इस वैल्यू के समान आएगी, तब आपकी कौन सी कक्षा बनेगी भाई, वृत्ताकार कक्षा बनेगी, ठीक है ना। तो अब देखना, यहां से अगर मैं आपको एन का मान जीरो बोलूं, तो जीरो का मतलब तो वहां कोई कक्षा ही नहीं है, तो जीरो में जीरो का भाग दोगे मतलब केवल न्यूक्लियस ही बैठा है क्या, आपका कोई कक्षा तो है नहीं, और ऐसी तो कोई स्टेट होती नहीं है। अगर केवल न्यूक्लियस होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन गिर गया, तो आपको पता है एटम्स ही आपका कोलैप्स कर जाएगा, और ये कंडीशन तो होती ही नहीं है। तो कहने का मतलब n बराबर 0 आपका नहीं होगा, 0 ऊर्जा स्तर आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष की जो आकृति है उसके मान किस पर निर्भर कर रहे हैं, n बटा k पर, ठीक है। तो मैं अगर कहूं n बराबर 4 के लिए कौन सी कक्षा वृत्ताकार होगी, तो आप कहोगे कि सर जब हम n बटा के को के का रेशो निकालें और वो कितना आ जाए भाई, 1 आ जाए, तब आप क्या कहोगे कि वो जो कक्षा है वो कैसी होगी, वृत्ताकार। क्योंकि पता है दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई किसमें समान होती है, वृत्ताकार कक्षा में। अगर मैं बोलूं कि यहां इसकी लंबाई मान के चलो 10 एंगस्ट्रम है, इसकी लंबाई भी 10 एंगस्ट्रम है, तो 10 से 10 को काट दो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो मैं क्या कहूंगा कि जब आपके n और k का जो वैल्यू है वो कितना किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो वो कक्षा आपके लिए कौन सी होगी, वृत्ताकार कक्षा होगी। तो यहां अगर मैं इसके लिए मान निकालूं, तो जब 4/4 हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी जब n का मान 4 हो और k का मान 4 हो, तो कौन सी कक्षा मिलेगी आपको, वृत्ताकार कक्षा। इसी तरीके से जब n का मान 3 हो और k का मान भी 3 हो, तब आपको कौन सी कक्षा मिलेगी, वृत्ताकार कक्षा। इसी तरीके से जब n का मान 2 हो और k का मान 2 हो, तो 2/2 करोगे, तो तब आपको कौन सी कक्षा मिलेगी, वृत्ताकार कक्षा मिलेगी। समझ गए बात को, देखो डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूं, पहले इन बातों को आप पहले एक बार लिख लो, या वीडियो को पॉज करके लिख लो। देखो अब एक डायग्राम से भी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपकी वृत्ताकार कक्षा आएगी, ठीक है। देखो n बराबर 4 के लिए आप कक्ष बना रहे हो भाई, ठीक है ना। देखो n बराबर 4 के लिए ये आपका न्यूक्लियस रहा, पहले तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा ले लो, ये आपका सपोज न्यूक्लियस रहा, ठीक है। अब यहां पर n बराबर 2 के लिए आपको वैल्यू बनाओगे, तो दूसरी कक्षा आपकी कुछ इस तरीके से होगी, तीसरी कक्षा आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, तीसरी कक्षा आपकी कुछ इस तरीके से होगी। तो अगर मैं चौथी कक्षा बनाऊंगा, तो चौथी कक्षा आपकी कुछ
इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, तो यहां देख लो जो चौथी कक्षा है आपकी, उसके लिए जो आपकी वैल्यू है वो n और k की वैल्यू आपकी कैसी है, एक जैसी। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो इसके लिए n बराबर 4 है और k बराबर भी क्या है 4। तो जब मैं 4 में 4 का भाग दूंगा तब आपको पता है वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब भी अनुपात की वैल्यू 1 आ जाती है मतलब आपकी जो दीर्घ अक्ष की लंबाई है वो लघु अक्ष की लंबाई के बराबर है, तो आपकी वृत्ताकार कक्षा होगी। और अगर मैं इसके लिए लिखूं तो इसके लिए n का मान तो 4 है लेकिन k का मान इसके लिए कितना है, 3 है। इसके लिए मैं लिखूं तो इसके लिए n का मान तो 4 है परंतु k का मान इसके लिए कितना है, 2 है। अगर इस कक्षा के लिए मैं बात करूं तो इसके लिए भी n का मान 4 है लेकिन k का मान इसके लिए कितना है, 1 है। तो देखो एक ही ऊर्जा स्तर है लेकिन एक ऊर्जा स्तर कितने भागों में आपका विभक्त हो गया, और यहीं से शुरुआत किसकी होती है भाई, उपकोष की शुरुआत होती है, जिसको एस पी डी एफ, ठीक है ना, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष बोलते हैं। एन का मान समान है, जैसे आपका 4 है तो आप सोचते हो 4F कक्षक बन रहा है, 4S कक्षक बन रहा है, 4P कक्षक बन रहा है, 4D कक्षक बन रहा है, मतलब वहां पर जो एक ऊर्जा स्तर है वो आपका कई विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है। और ये बात आपको किसने बताई थी, सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक बताई थी, ठीक है ना। तो इसने कुल मिला के आपके स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विभाजन है, यानी जो जीमान और स्टार्क जो आपके प्रभाव थे जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में थे, इनको इसने अच्छी तरह भरी प्रकार से इसने इन बातों को समझा दिया था। लेकिन कौन सी बातें नहीं समझा पाया था भाई, तो परमाणु के समस्त बातों को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल भी, यानी ये मॉडल भी अगर हम देखें तो जो आपके हैवी एलिमेंट्स थे, जो हैवी न्यूक्लियाई थे, जो भारी तत्व थे, उनके लिए ये वैलिड नहीं है। ये भी केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, जितने भी तत्व जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उनके लिए ही ये मॉडल वैलिड था। जिस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, रासायनिक बंध के बारे में बोर मॉडल ने कुछ नहीं बताया, सेम टू सेम इसने भी उसके बारे में कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये इसके क्या रह गए थे, ड्रॉबैक्स रह गए थे। लेकिन मेजर जो बात थी उसने उपकोष के बारे में, वो आपको किसने बता दिया भाई, सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने बता दिया। तो आई होप आपको मॉडल समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप बना लो, मैं आपको बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करता हूं, ठीक है भाई, चलो बाय बाय।